चाचा जी और पिताजी आपको अंदर बुला रहे, कुछ बात करनी है आपसे। आई आई पिताजी से तो जिंदगी भर बातें की है मैंने, लोखंडे जी अभी अभी मिले हैं तो उनसे थोड़ा वार्तालाप करने दो पुत्र। गैंटन जी महाबापू सुषमा के लिए बड़े चिंतित हैं। हाँ बहुत। अच्छा हाँ। क्यों, क्या कह रहे थे आप सुषमा के बारे में चाचा जी? बालक तुम पूर्व दिशा में बैठ के सूर्य की रोशनी का आनंद लो, दूसरों की बातें में क्यों रुचि लेते हो? नहीं नहीं बापूजी, ये लड़का अपना ही है। अच्छा, इसके सामने भी बोलेंगे कोई बात नहीं। हाँ हाँ चाचा जी आप बताइए बताइए मुझे। हाँ हाँ मैं कह रहा था कि सुषमा जो है यानी वो... बेटी सुषमा ना? हाँ हाँ सुषमा बेटी। हाँ, को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। बिल्कुल सही कहा, सुषमा दीदी बचपन से ऐसी ही है ना काका? क्रोध जो है मनुष्य के सेहत के लिए जहर के समान है, और मैं चाहता हूँ सुषमा बेटी का क्रोध जो है वो नियंत्रण में आ जाए। वो कैसे? मेरे प्रवचनों से पुत्र। तो लोखंडे जी आप सुषमा बेटी को रोज सुबह मेरे पास भेज दिया करिए, मैं उसे डेट पे ले जाया करूंगा। क्या डेट? यानी कि खजूर और बादाम खिला के शुद्ध वातावरण में उद्यानों में घुमा के उसे प्रवचन दे के उसका क्रोध नियंत्रण में कर दूंगा मैं। वैसे क्रोध तो काका को भी बहुत जल्दी आ जाता है। काका मैं क्या कहता हूँ, आप भी सुषमा दीदी के साथ माँ बापू जी के पास सुबह और शाम प्रवचन सुनने जाइए। बस तुम ऐसी बातें करते हो तभी लोखंडे जी क्रोधित हो जाते हैं। नहीं नहीं मुझे भी लग रहा है सुधाकर जी आप ठीक कह रहे हैं। मूर्ख बालक, जैसे मर्द और नारी अलग अलग होते हैं वैसे ही उनके प्रवचनों के शब्द भी अलग अलग होते हैं। सजन रे, सजन रे। बाबा सुषमा। चाचा जी आपको जाने की जरूरत नहीं, बारिश का मौसम फिसल गया ना तो फिर खड़े नहीं हो पाएंगे। गुरु जी आप चलिए। हटो पुत्र हटो। क्या हुआ बेटी इतने क्रोधित क्यों हो? बाबा मैं हर बार कंट्रोल कर लेती हूँ पर लोग हैं जो मुझे गुस्सा दिला ही देते हैं। बालिके क्रोध का उचित कारण? गुरुजी स्टेशन पर एक लड़का मुझे सीटी बजाकर छेड़ रहा था। क्या? कह रहा था छम्मक छल्लो पिक्चर चलो। क्या ऐसा कहा उसने? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुषमा बेटी को ऐसा कहने की? अबे भाई अपनी आइटम। ओए छम्मक छल्लो पिक्चर चलो। पिक्चर दिखाएंगे। बेटी को छेड़ेगा। मेरी सुषमा बेटी को छेड़ेगा। ये हीरो बनने के चक्कर में हम सबको मरवाए। आज पता चला प्यार में अक्सर लोग जूते क्यों खाते हैं। बेटा आज तो तुझे भी पढ़ने वाली है। आप तो गौतम बुद्ध के अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं। ये अचानक
भीम की तरह आपने उस लड़के को इतना धो डाला। पिटेगा, बहुत बुरी तरह से पिटेगा, सारी बाबागिरी बाहर निकल आएगी। आप तो क्रोध से सख्त नफरत करते हैं ना? जी वो क्या है कि वो बाबा हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है ना बाबा कि जब नारी का अपमान हो तो संत को भी क्षत्रिय बन जाना चाहिए। हाँ इनके अलावा कोई और जवान लड़का सुषमा पे लाइन मारे क्या? चुप। कि मेरे होते हुए मेरी सुषमा जी। माँ बापू जी आपने हाथ कहाँ उठाया, आपने तो उस आदमी को ही उठा लिया था। मतलब इस उम्र में वो सब कैसे, मैं भरी जवानी में किसी को उठा नहीं पाता हूँ। कुछ लोग भरी जवानी में अपना बोझ उठा ले वही बहुत है। और रही बात मेरी बूढ़ी हड्डियों की, तो योगा कर कर के इसमें चीते जैसी फुर्ती और हाथी जैसी मजबूती आ गई है। और ना भी होती तो क्या, अपनों को बचाने के लिए तो हिरन भी शेर से लड़ जाता है। फिर तो सुषमा तो मेरा प्यार है, हम सबका दुलार है, घर का छोटा बच्चा है, तो भला मैं पीछे कैसे हट जाता। लोखंडे हटो, धन्य हो गया आपको देख के, आज मैं धन्य हो गया। ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, ये तो पकड़े भी नहीं गए। लोखंडे जी कौन पाने इसको, कोई आपके महान विचार, आपकी मर्यादा, आपका अध्यात्म, आपकी महानता, ये सब देखकर सुनकर धन्य हो गया। वाह दीपक, वाह दीपक, जैसा उजाला कर दिया है महाबापू ने अपने विचारों से। मैं भी यही चाहता हूं, आपके सुविचारों की वर्षा सिर्फ मेरी बेटी पर नहीं, हम सब पर बरसे। इसलिए हम सब चाहते हैं कि आपके सामने बैठकर आपके महान मुख से आपका प्रवचन सुनना चाहते हैं। लेकिन क्यों, मेरा मतलब है क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो ये तय हो गया, शाम को चाय वाय होने के बाद हम सब महान बापूजी के सामने बैठकर इनका प्रवचन सुनेंगे। चलो चलो। अरे बहुत बाबा बनने का शौक। जरूरत थी क्या, जरूरत थी लोखंड जी के सामने भक्ति चैनल बनने की? हाँ अरे मुझे क्या पता था मेरे बंडल मारने को वो प्रवचन समझ बैठेंगे। अरे तो अब क्या कव्वाली सुनाएगा उनको? बोल आई ये जय भैया महाबापू जी को कपड़े की तरह निचोड़ क्यों रहे? सुधाकर जी, सुधाकर जी
अरे हो गया क्या? और करूं चाचा जी? नहीं नहीं, अभी कहां हुआ है, मरोड़ो। जय भैया, बस बस बस, अभी क्या माँ बापू जी को आप शोले का ठाकुर बना दोगे? नहीं नहीं, हो गया हो गया, हाथ मरोड़ासन समाप्त हुआ। कौन सा आसन? ये है हाथ मरोड़ासन, हाथों की मजबूती के लिए। तुम क्या यहाँ हाथ मरोड़वाने आए हो या फिर कोई सवाल रह गया था तुम्हारा? सुधाकर जी, जया कह रही थी आपके गर्दन में हमेशा दर्द रहता है, कहो तो थोड़ा बहुत आराम दे दो। हाँ, इन्हें गर्दन मरोड़वासन की आवश्यकता है, तोड़ दो। जी चाचा जी, अभी तो। जय भैया, नहीं नहीं, मेरी गर्दन बिल्कुल ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ क्या खराब करने आया हूँ? मैं कुछ काम से आया था, भूल गया क्या काम था। भूल गए चाचा जी, भूल गए। इन्हें तो कनपटियासन की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा, कनपटिया आसन, कान के नीचे दो पड़ते ही सब कुछ याद आ जाता है। अभी करता हूँ माँ बापू जी। जय भैया, याद आ गया, वो काका ने पूछा था प्रवचन के लिए कितने बजे आए। जब मर्जी, इतने सारे भक्ति चैनल है, कोई भी बैठ के सुन ले, उसमें क्या है, प्रवचन ही तो सुनना है। ऐसे नहीं, वो काका ने कहा था ना, सब साथ में मिलके बैठ के आपका प्रवचन सुनेंगे, तो आधा घंटा बोल दूं। घंटा? हाँ, तो 3 घंटा तो लगेगा ना जय बेटा, बताओ इनको। सुधाकर जी को सुविचार सुनने की बड़ी जल्दी है। शाम को 6 बजे आएंगे ऐसा कह दीजिए, अभी महाबापू जी के साधना का समय हो चुका है। हाँ हाँ, मेरे साधना का समय हो चुका। हाँ, बाद में मिलेंगे, चलिए। अबे शाम को 6 बजे तक क्या भगवान उधर के मेरे दिमाग में ज्ञान डालेंगे, प्रवचन कहाँ से दूंगा? अरे मेरे दीपक तिजोरी, अब तक तुम्हारी तिजोरी से हमने बहुत सारे आइडिया लिए हैं। बाबा अब हमारी बारी है। मुझसे नहीं होगा प्रवचन। प्रवचन तो होगा। और बताओ? अरे सब मजे में अंकल, बस कल रात को ना मेरे घर से 2 बल्ब चोरी हो गया। अरे उपनिषदों में क्या लिखा है वो बताओ। इसमें बताती है पढ़ के। हाँ, ये दीपक थे ना, खुद तो बाबा बन गया और उसके प्रवचन के नोट्स हमें बनाने पड़ रहे हैं। एक तो वैसे भी मेरी हिंदी बहुत खराब है, मुझे कुछ भी ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा। तुम्हें इसके अलावा और कुछ आता है? आई ना, ये भी दीपक के प्रवचन के लिए नोट्स बना रहे लिए क्या? जिस दिन उपनिषद इसने खोल दिया ना, उसे शंकर भगवान अपनी तीसरी आंख खोलेंगे। Excuse me, मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो पूरी तैयारी के साथ करती हूँ, okay? अच्छा बताओ क्या क्या लिखा है, बताओ। लिखो। हाँ, अंकल। लड़की। लड़की? ब्यूटीफुल कर गई चुन। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुन, ये क्या है? गाना है और क्या है। चुप रहो। चुप रहो, मैं ना बॉलीवुड सॉन्ग्स की लिस्ट बना रही हूँ, देखो। ऐसे क्यों देख रही हो पीसी? हर साल की तरह बॉलीवुड थीम पार्टी जो मैं रखती हूँ, वैसे ही सेम पार्टी रख रही हूँ घर पर। तुम हमारे घर में बॉलीवुड थीम पार्टी कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। पीसी, इस घर पर नहीं, अपने घर पर पार्टी रख रही हूँ मैं। अच्छा, तो प्रॉब्लम। अरे एक और गाना याद आया। अरे रमेश भैया कैसे हो और कहाँ हो आजकल, दिखाई नहीं देते। अरे सुरेश भैया, हम तो गांव गए थे फसल कटवाने, आप बताइए आपके क्या हाल चाल बा। बताए भैया, हमारा बिटवा छठवी में फिर से फेल होगा। क्या बात कर रहे हो भैया, फिर से फैल होगा? आदर सत्कार की भावना है, वो ज्ञानचंद जी माँ बापू जी का आज शाम को प्रवचन है, तो कुछ फल हम उन्हें भेंट में देंगे। वैसे माँ बाप ने भी क्या चुन के नाम रखा है ना, ज्ञानचंद। किसे पता था कि बड़े होकर वो इतने बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। हाँ, वो भी ज्ञानी आदमी है। मूड बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों की हट हट पूर्वक ऊपर से रो कर मन से उन इंद्रियों के जय। क्या है ये, बोलते बोलते मेरी जबान नाक से बाहर आ जाएगी। बेटा उपदेशों का रेडियो तूने ही शुरू किया था ना सुबह सुबह, अब लाइव टेलीकास्ट कर, नहीं तो लोखंडे जी आएंगे और तेरा एंटेना तोड़ देंगे। और ये 6:45 है, यानी 6 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है, तो जो कुछ भी रटना है वो रट ले, और पंजा खोते तोते
अरे तोते तो मेरे उड़ गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वैसे तो बहुत बड़ा एक्टर बना फिरता है, अब क्या हुआ, भूल गया सारी एक्टिंग? अभी मेरी जान निकल रही है, दुनिया का तुझ मुझे कोई भी रोल दे दे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ये इतनी भयंकर हिंदी मुझसे नहीं बोली जाएगी। तो अंग्रेजी में तो प्रवचन नहीं दे सकता ना। लोखंड जी, इज द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी? एक ही तमाचा आएगा और दाढ़ी वाड़ी सब उड़ जाएगी। इसलिए बेटा जो कुछ भी लिखा है फटाफट याद कर, और हो सके ना तो उसका मतलब भी समझ लेना। भिक्षा लगता है आज पुण्यात्माओं को मिलने का दिन है। भिक्षांदेही बाबा रुकिए, जीते रहो बच्चा। भिक्षांदेही बाबा आपका फोन बज रहा है। हाँ ठीक है, तुम चलो। हेलो, हाँ बोल। फोन स्पीकर पे डालो। अरे कैसा चल रहा है तेरा धंधा, लूट रहा ना सबको? अरे आपका कलेक्शन तो बता। लोखंडी सन्यासी बनने का ढोंग करके लोगों को बेवकूफ बनाता है, अब भी दिखाता हूं तुम्हें। हाँ हाँ, मैं अपनी पार्टी के लिए ना लेट आऊंगी, पर तुम लोग टाइम पे पहुंच जाना। ओके, ज्ञान दिया है संस्कार में और संस्कार छिपा है माँ के चरणों में। अरे काला धन कहाँ छिपा है ये भी लिख देते इसमें। अरे क्या है यार इतनी? एक काम कर, उनसे जाके बोल दे कि ओम श्री ओम ज्ञानचंद जी महाबापू जी, गरम चाय की जगह गरम तेल पी गए, उनका गला बैठ गया है, कह दो प्रवचन कैंसिल। नहीं होगा, प्रवचन तो होगा, अब कैसे करना ये सोच ले, क्योंकि मेरे भाई जिस रास्ते पे हम निकल चुके हैं ना वहां से यू टर्न लेना अब इम्पॉसिबल है। इसलिए एक मिनट, ये पेपर लाइटर ये देख, ये बक्सा है। हाँ? ठीक है, पेपर को यहाँ पर ऐसे अटका के रख, ठीक है, यहाँ अटका, पढ़ना बोलना। मतलब हम चीटिंग करेंगे? ओ, ये सारी बातें तेरे मुंह से शोभा नहीं देती। हाँ, हाँ। तू नकली बाबा है, तुझे फ्रॉड तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं कंफर्म कर रहा था चीटिंग ही करनी है ना। ओ तेरी, तो जाके उनसे बोल दो श्री ओम श्री ओम श्री ओम ओम श्री ओम ज्ञानचंद जी महाबापू जी प्रवचन के लिए तैयार है, और मेरे गानों की लिस्ट भी तैयार है। यस। चलो 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 काम पे लगो, बेटा पे लगो जल्दी। हाँ जी जी अंकल। जाओ भटके जनों को बुला लो, भक्त जनों को बुला लो, कह दो कि बाबा मैं माता आ गई है, यानी बाबा प्रवचन देने के लिए तैयार हैं। ओके जाओ, ठीक है, चल। काका पुलिस आने से पहले ये अपनी छड़ी गरम कर लो, इस पे अकल ठिकाने आ जाएगी पोंगा पंडित की। ये लोग किसकी धुलाई कर रहे हैं? क्या पता, चल देखते। क्या हुआ बेटा जया, ये आदमी अमीर निकला क्या जो तुम्हारे बाबा इस पर चढ़ गए? नहीं दाईमा, ये तो ढोंगी है, कब से नकली साधु बन के घूम रहा है यहाँ पे। इसकी जेब से तो चोरी का सामान भी मिला है। सुधाकर पुलिस कितनी देर में आएगी? काका मैंने फोन कर दिया है, बस आती होगी। नकली दाढ़ी नकली मूछे सन्यासी बनने का नाटक करता है। ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको अपना ससुर बनाने के लिए सब नाटक किया, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ये नाटक कभी नहीं करूंगा। माफ कर दूं? हाँ, माफ कर दूं। मैं ऐसे कानून कभी हाथ में नहीं लेता हूँ, लेकिन आज मैं दीपक तिजोरी की हड्डी तोड़ के कानून हाथ में लूंगा, भले मुझे 4 दिन की जेल ना हो जाए। के
मेरे को तो ना इस सन्यासी की फिल्म में बुल्लू का ट्रेलर दिखाई दे रहा है। मुझे भी पता, अगर दीपक भी ऐसे ही नकली दाढ़ी मूछ के साथ ढोंग करता हुआ पकड़ा गया ना, तो लोखंडे जी स्वयं उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि आज ओम श्री ओम ज्ञानचंद जी महाबापू का प्रवचन है, इसीलिए बाबा ने पुलिस को यहाँ बुलाया। हा? हा? वरना तो खुद ही घसीट घसीट कर इसको पुलिस स्टेशन तक लेकर जाते। उर्मिला, हाँ, ओम श्री ओम ज्ञानचंद जी महाबापू का पहला प्रवचन कहीं उनका चौथा न बन जाए। राम नाम सत्य है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.